ओम शांति। आज है 12 मार्च 2022 की साकार मुरली। आइए सुनते हैं बाबा के महावाक्यों को। मीठे बच्चे, बेहद के बाप से सदा सुख का वर्षा लेना है तो जो भी खामियां हैं उन्हें निकाल दो। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ो और पढ़ाओ। प्रश्न, बाप समान सर्विस के निमित्त बनने के लिए कौन सा मुख्य गुण चाहिए? उत्तर, सहनशीलता का। देह के ऊपर टू मच मोह नहीं रखना है, योग बल से काम लेना है। जब योग बल से सब बीमारियां खत्म होंगी तब बाप समान सर्विस के निमित्त बन सकेंगे। प्रश्न, कौन सा महापाप होने से बुद्धि का ताला बंद हो जाता है? उत्तर, यदि बाप का बनकर बाप की निंदा कराते हैं, आज्ञाकारी वफादार बनने के बजाय किसी भी भूत के वशीभूत होकर डिसर्विस करते हैं, कालापन नहीं छोड़ते, तो इस महापाप से बुद्धि को ताला लग जाता है। गीत, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। भगवान वाच, बच्चे जान चुके हैं कि निराकार जो पतित पावन ज्ञान का सागर है वह बैठ आत्माओं को पढ़ाते हैं। शास्त्र आदि पढ़ना यह सब है भक्ति मार्ग। सत्यता में कोई पढ़ते नहीं, द्वापर से लेकर मनुष्य यह पढ़ते रहते हैं। मनुष्यों ने ही शास्त्र बनाए हैं, भगवान ने नहीं बनाए हैं। ना कोई व्यास भगवान है, व्यास तो मनुष्य था। निराकार परमपिता परमात्मा को सभी याद करते हैं। भूल सिर्फ यह की है जो गीता का भगवान श्री कृष्ण को समझ लिया है। बाप समझाते हैं, ज्ञान का सागर मैं हूँ न कि श्री कृष्ण। इस बेहद की दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी आदि से अंत तक बाप ही जानते हैं कि कैसे यह आत्माएं आती हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और यह है स्थूल वतन। यह चक्र कैसे फिरता रहता है, यह नॉलेज सिवाय मुझ निराकार बीज रूप ज्ञान सागर के और कोई सुना नहीं सकते। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो भगत ही बैठ यह शास्त्र आदि बनाते हैं। यह शास्त्र तो फिर भी बनने हैं, ऐसे नहीं कि यह बनना बंद हो जाएंगे। भारत का असुल आदि सनातन धर्म है ही देवी देवता। सत्युग आदि में देवी देवताओं का राज्य था। भारतवासी अपने धर्म को भूल गए हैं। जो पावन थे अब वह पतित बन गए हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, मैं आकर तुमको पतित मनुष्य से पावन देवता बनाता हूँ। तुम भी जानते हो देवता बनने के लिए हम पढ़ रहे हैं। मनुष्य से देवता बाप के सिवाय कोई बना नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तो सब पतित भ्रष्टाचारी हैं। वह फिर पावन श्रेष्ठाचारी कैसे बनाएंगे? यह पतित आसुरी दुनिया रावण राज्य है। राजाएं तो है नहीं, गाया भी जाता है राम राज्य, रावण राज्य। भगवान आकर राम राज्य की स्थापना करते हैं। कहते भी हैं, हे भगवान, गीता का ज्ञान फिर से आकर सुनाओ। कृष्ण तो नहीं सुनाएंगे। अब तुम बच्चे समझते हो कि हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, मनुष्य की आत्माएं सब पढ़ती हैं। पढ़ाने वाला निराकार भगवान है। क्या बनाते हैं? मनुष्य से देवता। यह है एम। स्कूल में एम ऑब्जेक्ट के सिवाय कोई क्या पढ़ सकेंगे? तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम फिर से मनुष्य से देवता बनने आए हैं। पढ़ाने वाले को भी पूरा जानना चाहिए। उनका नाम है शिव। शारीरिक नाम तो है नहीं, और पढ़ाने वाली होती हैं आत्माएं जो अपने अपने शरीर द्वारा पढ़ाती हैं। हर एक को अपना शरीर है। यह एक ही परमपिता परमात्मा है जो कहते हैं, मुझे अपना शरीर नहीं है, मैं इनका आधार लेता हूँ। इनकी आत्मा भी पढ़ती है। जो पहले नंबर में देवता बनती है, जो न्यूमैन था वही पुराना हो गया है।
कृष्ण है सबसे पहला न्यूमैन, फिर 84 जन्मों के बाद आकर ब्रह्मा बना। यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, इसलिए मैं बैठ सुनाता हूँ। पहले जन्म में यह श्री कृष्ण था, फिर पुनर्जन्म लेते लेते पतित बन गया। अब फिर मैं इनको ब्रह्मा बनाकर 100 श्री कृष्ण बनाता हूँ। झाड़ में भी क्लियर लिखा हुआ है, नीचे यह तपस्या कर रहे हैं ब्राह्मण रूप में, ऊपर में वही ब्रह्मा पतित दुनिया में खड़े हैं और यहाँ संगम पर अब तपस्या कर रहे हैं तत्त्वम। तुम भी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते पतित शूद्र बने हो, अब फिर तुम पावन बनते हो। जानते हो पतित पावन, परम पिता परमात्मा द्वारा हम पावन बन रहे हैं। बाप उपाय बताते हैं कि मुझे याद करो, मुझे याद करने से ही तुम पावन बनेंगे। आत्मा और शरीर दोनों ही पावन तो सिर्फ सत्युग में ही होंगे। यहाँ शरीर सबको पतित मिलता है, सबसे खराब भ्रष्टाचार है काम विकार। विष से पैदा होने वालों को ही भ्रष्टाचारी कहा जाता है। सत्युग में कोई भ्रष्टाचारी होता नहीं, क्योंकि वहाँ विष ही नहीं। कृष्ण को संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है, फिर निर्विकारी ही विकारी बनते हैं। सत्सरिता में विकार होता ही नहीं, इसलिए बाप कहते हैं इन 5 भूतों पर विजय पानी है। बाप ही विकारी दुनिया को निर्विकारी बनाते हैं। कई हैं जिनको धारणा बिल्कुल होती ही नहीं है, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, मोह का भूत एकदम काला कर देता है। सबसे गंदा है काम विकार, वह भी तब आता है जब देह अभिमान आता है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, आत्मा में ही संस्कार रहते हैं ज्ञान के। अभी आत्मा के ज्ञान के संस्कार बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, मनुष्य तो साकार को ही याद करते हैं, भक्ति में हिरे हुए हैं। गुरु गोसाई व कोई देवता को याद करेंगे। बद्रीनाथ अमरनाथ पर जाएंगे तो पत्थर की बैठ पूजा करेंगे। शिव के मंदिर में भी जाते हैं, परंतु यह किसको पता ही नहीं कि यह बाप है। इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा। कोई जानते ही नहीं कि बाप कब आया, कैसे आया। अब तुम बच्चों को सबको समझाया जाता है, परंतु तुम्हारे में भी कोई थोड़े हैं जो अच्छे सियाने, वफादार, फरमान बरदार बच्चे हैं, जिनमें भूतों का प्रवेश नहीं है। भूतों की प्रवेशता वाले बड़ा तंग करते हैं, बहुत डिसर्विस करते हैं, तो पद भी नीच मिल पड़ता है। पुण्य आत्मा बनने के बदले और ही पाप आत्मा बन पड़ते हैं। एक तो देह अभिमान है, दूसरा फिर और विकार भी आ जाते हैं। लोभ का भूत आ जाता है, दिल होती रहेगी यह रबड़ी मलाई खाएं, यह शुरू से चलता आया है। अभी तो अवस्था परिपक्व बनाना है। लोभ का भूत भी पद भ्रष्ट कर देता है। आधा कल्प इन भूतों ने हैरान किया है, जो कहते हैं हम पुण्य आत्मा बनते और बनाते हैं, वह खुद ही पाप आत्मा बन पड़ते हैं और दूसरों को भी बनाने लग जाते हैं, नाम बदनाम कर देते हैं। अगर तुम्हारे में ही क्रोध का भूत है तो तुम दूसरों का फिर कैसे निकालेंगे। कोई देह अभिमान की उल्टी चलन देखो तो रिपोर्ट करो। धर्मराज के पास तो रजिस्टर रहता है, फिर सजा भोगने के समय तुमको सब साक्षात्कार कराएंगे कि तुमने इन भूतों के वश बहुतों को तंग किया है। कई बच्चे क्रोध की अग्नि में जल मरते हैं, आत्मा बिल्कुल काली बन जाती है। डिसर्विस करते तो बाबा बुद्धि का ताला बंद कर देते हैं, उनसे फिर कोई सर्विस हो ना सके। अंत में बाबा सब साक्षात्कार कराएंगे, फिर बहुत परेशान होंगे। इसलिए बच्चे ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। बाबा कह देते हैं अगर उल्टी चलन चलते हैं तो रिपोर्ट करो। बाबा समझ जाते हैं देह अभिमान के कारण यह दास दासी जाकर बनेंगे, प्रजा में भी कम पद पाएंगे। बाबा तुम बच्चों को ज्ञान श्रृंगार कराते हैं, फिर भी सुधरते नहीं। इस समय
में ही परमपिता परमात्मा आकर ज्ञान का श्रृंगार कराए सत्युग के महाराजा महारानी बनाते हैं। इसमें सहनशीलता बड़ी अच्छी चाहिए। देह के ऊपर टू मच मोह नहीं होना चाहिए। योग बल से काम लेना है। बाबा भी बूढ़ा है परंतु योग में खड़ा है। खांसी आदि होती है फिर भी सर्विस पर रहते हैं। बुद्धि की कितनी सर्विस करनी होती है। इतने बच्चों को संभालना, मेहमानों के लिए प्रबंध रखना कितना बोझा रहता है। ख्यालात भी चलती हैं। अगर कोई बच्चे की बदचलन होगी तो नाम बदनाम कराएंगे, कहेंगे यह ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। तो नाम ब्रह्मा का हुआ ना, इसलिए कहा जाता है गुरु का निंदक है सतगुरु के लिए। इन कलयुगी गुरुओं ने फिर अपने लिए बता दिया है, इसलिए मनुष्य उनसे डरते हैं कि कहां गुरु जी श्राप ना दे देवे। यहां कोई ऐसी बात नहीं, अपनी चलन से अपने ऊपर बद्दुआ करते हैं। बच्चों को अपने भविष्य का ख्याल रखना चाहिए। अब पुरुषार्थ नहीं किया तो कल्प कल्पांतर यही हाल होगा। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं फिर भी कई हैं जो कालापन छोड़ते ही नहीं, फिर टूट पड़ते हैं अथवा मक्कर जैनों में गिर जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। कोई तो बच्चे अच्छे चलते हैं, कोई तो ईश्वरीय जन्म लेकर 8-10 वर्ष के बाद भी मर पड़ते हैं अथवा फारकती दे देते हैं। लौकिक बाप भी सपूत बच्चों को देख खुश होते हैं फिर भी नंबरवार तो है ना। कोई कोई सेंटर्स पर भी तंग करते हैं, बड़े कांटे बन जा हर के बनकर फिर निंदा कराते हैं तो महान पापात्मा बन जाते हैं। इसलिए बाबा समझाते रहते हैं तो यहाँ तुम आए हो बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेने। तो खामियां सब निकालनी चाहिए। स्कूल में पास होने वाले स्टूडेंट शर्त रखते हैं कि हम 80 मार्क्स से पास होंगे, 90 मार्क्स से पास होंगे। फिर जब पास होते हैं तो खुशी में एक दो को तारे करते हैं। यह है बेहद की पढ़ाई। सूर्यवंशी बनेंगे या चंद्रवंशी वह भी मालूम पड़ जाता है। चंद्रवंशी राजा रानी जब बनते हैं तो उनके आगे सूर्यवंशी जैसे सेकंड नंबर में हो जाते हैं। राम सीता का जब राज्य चलता है तो लक्ष्मी नारायण छोटे हो जाते हैं, सूर्यवंशी नाम ही खत्म हो जाता है। यह नॉलेज बड़ी रमणीक है। धारणा अच्छी उनको होगी जो श्रीमत पर चलेंगे, वही फिर ऊंच पद पा सकेंगे। शिव बाबा का भक्ति मार्ग में भी पाठ है और ज्ञान मार्ग में भी पाठ है। शंकर का काम है सिर्फ विनाश का, उनका क्या वर्णन करेंगे। शिव बाबा का और ब्रह्मा बाबा का तो बहुत वर्णन है। 84 के चक्कर में सबसे नंबर 1 पाठ है बाबा का। उन्होंने फिर शिव शंकर को मिला दिया है। शिव बाबा का तो सबसे बड़ा पाठ है। सभी बच्चों को सुखी करना कितनी मेहनत का काम है, फिर आराम करते हैं। इनका ब्रह्मा का तो 84 जन्मों का पाठ है। इस्लामी बौद्धी आदि तो बाद में आते हैं, वह कोई ऑलराउंड पार्ट नहीं बचाते। ऑलराउंड पार्ट वालों को सुख कितना है, हम ही स्वर्ग के मालिक बन जाते हैं। भारत स्वर्ग कहलाता है, खुशी कितनी होती है। हम अपने लिए स्वर्ग का राज्य स्थापन कर रहे हैं और उनको भी समझाना है जो वह आकर अपनी जीवन बना ले। तुम आए हो परमपिता परमात्मा से स्वर्ग का वर्षा लेने। बुद्धि में अगर एम ऑब्जेक्ट नहीं होगी तो बाकी यहाँ बैठ क्या करेंगे। ब्राह्मण है ब्रह्मा के मुखवंशावली, बेहद का बाप बेहद के बच्चे लेते हैं। कितने ढेर बच्चे हैं। ब्रह्मा का बनने बिगर शिव बाबा से वर्षा ले नहीं सकते। भारत श्रेष्ठाचारी था, वहां कोई भूत नहीं था। एक भी भूत है तो व्यभिचारी कहेंगे। भूतों को तो बिल्कुल भगाना है। बाबा को बहुत लिख भेजते हैं, बाबा काम का भूत आया परंतु बच गए। बाबा कहते हैं बच्चे तूफान तो बहुत आएंगे परंतु कर्मेंद्रियों से कोई कर्म नहीं करना, भूतों को भगाना है, नहीं तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी बन नहीं सकेंगे। ध्यान में जाना भी अच्छा नहीं है,
क्योंकि माया बहुत प्रवेश हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। ऐसी कोई चलन नहीं चलनी है जिससे अनेकों की बद्दुआएं निकलें। अपने भविष्य का ख्याल रख पुण्य कर्म करने हैं। नंबर दो, अंदर जो भी कालापन है, देह अभिमान के कारण भूतों की प्रवेशता है, उन्हें निकाल देना है। ज्ञान से अपना श्रृंगार कर सपूत बच्चा बनना है। वरदान, बीजी रहने के सहज पुरुषार्थ द्वारा निरंतर योगी निरंतर सेवाधारी भव। ब्राह्मण जन्म है ही सदा सेवा के लिए। जितना सेवा में बिजी रहेंगे उतना सहज ही माया जीत बनेंगे। इसलिए जरा भी बुद्धि को फुर्सत मिले तो सेवा में जुट जाओ। सेवा के सिवाय समय नहीं गवाओ। चाहे संकल्प से सेवा करो, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से, अपने संपर्क और चलन द्वारा भी सेवा कर सकते हो। सेवा में बिजी रहना ही सहज पुरुषार्थ है। बिजी रहेंगे तो युद्ध से छूट निरंतर योगी निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे। स्लोगन, आत्मा को सदा तंदुरुस्त रखना है तो खुशी की खुराक खाते रहो। आत्मा को सदा तंदुरुस्त रखना है तो खुशी की खुराक खाते रहो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।